तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं द केरला स्टोरी की जो एक्ट्रेस है अदा मैम। तो इनकी जो रेफरेंस फ़ोटो है ये मैंने पिन इंटरेस्ट से डाउनलोड करा है, एंड अगर आपको ये रेफरेंस फ़ोटो चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, इस फ़ोटो पर हमने ग्रिड लगाया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड गाइज, यहाँ पर जो हम लोग पेपर सीट यूज़ करेंगे वो A4 साइज़ की होगी, एंड वर्टिकल पे हम लोग जो है टोटल 9 लाइंस ड्रॉ करेंगे, एंड हॉरिजॉन्टल में हम लोग टोटल 13 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हमारी जो ग्रिड की साइज़ होगी वो 1.5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये चीज़ जो है आपको जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आप A4 पेपर यूज़ कर रहे हो तो आपको साइज़ पता होना चाहिए। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से साइज़ को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, एंड जितना छोटा आप ग्रिड लोगे उतनी आपकी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट बनेगी। तो मैं यहाँ पे छोटा ग्रिड ले रहा हूँ, तो आपको भी अगर आप बिगिनर हो तो आपको छोटा ग्रिड लेना चाहिए, एंड इसलिए हम जो है छोटा ग्रिड पे ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एंड गाइज, यहाँ पर जो मैं ग्रिड ऐप यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज, जल्दी से हम लोग जो है ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आइज़ से स्टार्ट करेंगे, एंड आइज़ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ऊपर से फोर्थ काउंट करेंगे, क्योंकि फोर्थ ग्रिड में हमारा जो आइज़ है रेफरेंस फ़ोटो में वो है, तो इसीलिए हम लोग फोर्थ ग्रिड पे आइज़ को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड काफ़ी यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम दे अपने आउटलाइन को, तभी आपकी जो आउटलाइन है वो परफेक्ट बनेगी। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो है ग्रिड को काउंट किया एंड आइज़ से ड्राइंग स्टार्ट किया, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी आइज़ से ड्राइंग स्टार्ट करो, आप कहीं भी जो है रेफरेंस फ़ोटो को देखकर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैं अब आइज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप भी आइज़ से स्टार्ट करो, मैं बस बता रहा हूँ कि कहीं से तो स्टार्टिंग करना ही होगा, तो मैं आइज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड जैसा कि आपने देखा कि मैंने ग्रिड को काउंट किया, तो वैसे आप भी ग्रिड को काउंट करके जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार काउंट कर लेना ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। एंड गाइज, ये जो ड्राइंग मैं बना रहा हूँ तो इसमें आगे चल के मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करने वाला हूँ, एंड मैं कौन सी ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करता हूँ तो इसका मैं कल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं कौन सा ग्रेफाइट पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइज, वो मैं अभी ऑर्डर किया था अमेजोन से, तो वो मेरे को आज ही डिलीवर हुआ है, तो इसकी भी जो रिव्यू वीडियो होगी वो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे आएगी। तो ब्लॉग वाला चैनल अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आप मेरा ब्लॉग वाला चैनल चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैं आपको जो है आज मेरे को जो डिलीवर हुआ है तो उसकी मैं रिव्यू वीडियो डालूंगा। ग्रेफाइट पाउडर की जो रिव्यू वीडियो है वो कल तक आएगी, तो कल तक चेकआउट करना। एंड गाइज, यहाँ तक तो हमारी ड्राइंग काफ़ी सही लग रही है, रेफरेंस फ़ोटो से मैच भी कर रहा है। थोड़ा सा लिप्स में मिस्टेक हो गया था तो मैंने जो है वो ठीक कर लिया था आगे चल के, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज, मेरे को लग रहा है कि जो रेफरेंस फ़ोटो है वो काफ़ी सही बनेगा अगर मैं ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करूँगा और थोड़ा डिटेलिंग एड करने की कोशिश करूँगा। तो कल जो वीडियो आएगी शेडिंग वाली, या हो सकता है दो दिन बाद आए, तो यार वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं फर्स्ट टाइम ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करूँगा तो इसलिए वीडियो जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ज़रूर देखना, और मैं अपना पहला एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो आप ज़रूर देखना। एंड गाइज, यहाँ पर देख सकते हो जो लिप्स है वो मैंने ठीक भी कर लिया, एंड काफ़ी सही भी लग रही है। तो आप जल्दी से हम जो है अपनी आउटलाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, एंड ये जो है एक रफ आउटलाइन थी, तो जैसे ही हमारी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट होती है फिर हम लोग थोड़ा बहुत डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो ये सभी चीज़ें आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो बिना स्किप किए ज़रूर देखना। एंड गाइज, मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन पर कि आपको जो फाइनल आउटलाइन है वो कैसी लगी, एंड कमेंट्स ज़रूर किया करो गाइज, क्योंकि ये जो आर्टवर्क है ये आपके कमेंट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। आपने कमेंट्स किया था कि द केरला स्टोरी की एक आर्टवर्क ड्रॉ करो, तो मैंने वही किया, तो आप कमेंट्स जरूर करें। और तो आपको पता ही है कि मैं सभी की कमेंट्स को रीड करता हूं, एंड जैसा मुझे बोला जाता है तो मैं उसी तरह जो है आर्टवर्क भी तैयार करता हूँ एंड वीडियो लाता हूँ आपके लिए। तो आप ज़रूर कमेंट्स पे बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए एंड कौन सी सेलिब्रिटी की मैं आर्टवर्क ड्रॉ करूं, तो मुझे कमेंट्स पे बताना। एंड गाइज, इसका पार्ट टू ज़रूर देखना। और आप देख सकते हो हमारी जो आउटलाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग रह गई है तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आइज़ पर मैंने डिटेलिंग ऐड करा, एंड थोड़ा बहुत हाथ में जो चोट के निशान दिख रहे हैं तो वो मैं ऐड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग मैं ऐड कर पाऊँ अपनी आउटलाइन में, ताकि जब हम शेडिंग करेंगे तो उस टाइम मेरे को सारी डिटेलिंग दिखेगी। एंड गाइज, आपने देखा कि मैंने पूरी आउटलाइन को यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से ड्रॉ किया है,
तो जो कि ज़रूरी भी है अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करते हो तो उसकी जो थिकनेस होती है पेंसिल की लीड होती है तो वो शार्प करने पर जो है पतली होती है, फिर चलाते चलाते वो उसकी जो थिकनेस है वो मोटी हो जाती है, तो इस कारण हमारे जो आउटलाइन है वो थोड़ा अलग लगता है। एंड यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल का प्रॉफिट क्या होता है कि आपकी जो आउटलाइन है तो यहाँ पे आप जो लाइन्स ड्रॉ करते हो वो हर जगह सेम लगती है, जो कि आपका आउटलाइन जो फाइनल आउटकम होता है तो वो सही लगता है दिखने में। तो इसलिए आप जब भी आउटलाइन ड्रॉ करते हो तो आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो, प्लस यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल पेंसिल है वो इज़िली इरेज भी हो जाता है, तो जबकि ग्रेफाइट पेंसिल में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड ये बहुत ही आसानी से इरेज हो जाता है। अगर आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते होगे तो आपको पता होगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और हमारी जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।